शुक्र बात बच्चों, हमारा टॉपिक एयर चल रहा है भाई। इसमें पिछले वीडियोस में हमने कुछ बातें बताई हैं आपको रिगार्डिंग एयर, कि एयर का क्या यूज है। इसी में वायुमंडल की बात की थोड़ी, एटमॉस्फेयर की। आज हम बात करते हैं वायुमंडल जो हमारा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें दो टॉपिक मेन होते हैं, एक कॉम्पोजिशन, एक स्ट्रक्चर। आज हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि वायुमंडल का संगठन, जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्या है, कौन सी चीजें। इससे पहले हमने आपको बताया कि एयर में डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर होता है, तभी एयर जिसमें मॉइस्चर होगा वो ठंडी होगी, जिसमें मॉइस्चर नहीं होगा वो गर्म होगी। मेन इस डायग्राम में आप दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें चार मेन गैस आपको दिखाई गई है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या, एक तरह से एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिश्रण है सभी गैसों का। इसमें आप देख रहे होंगे हमारे लिए बहुत जरूरी है, सांस लेने के लिए जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए जरूरी है। खाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसा है जो सबसे बड़ा पार्ट है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ऑर्गन 0.09 और अन्य सभी 0.04। इट मीन्स मेन दो ही गैस है पूरे वायुमंडल में जो तकरीबन 99% है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन गैसों के अलावा मैंने बताया डस्ट पार्टिकल है, धूल कण है, मॉइस्चर है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है, जब हम सांस लेते हैं थोड़ी बहुत नाइट्रोजन जाती भी है लेकिन बाद में बाहर निकाल देते हैं उसको। मेन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, सब आप लोगों को मालूम है। पेड़ पौधों के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी है लेकिन वो ऐसे नहीं लेता, वो थ्रू सॉइल से लेता नाइट्रोजन। तो आज इस डायग्राम को इतना ही देखेंगे, यही गैसों के नाम याद करेंगे। हीलियम भी है, इसके अलावा ओजोन है, ऑर्गन है, हाइड्रोजन है, सब गैसेस हैं। ओजोन के नाम से आपको याद आएगा, ओजोन लेयर भी है जिसका हम डिस्कस आगे करेंगे, जो प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेस से। तो ये कुछ गैसेस है। इसके अलावा एक बात बता देते हैं हम आपको, अभी एयर की बात कर रहे थे हम, जिस एरिया में मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर में पानी की मात्रा होगी वो ठंडी होगी। तभी आपने देखा होगा जैसे घर में कूलर चलाते हैं, बाहर गर्म हवा है, कूलर क्या करता है, उस हवा को अंदर फेंकता है लेकिन उसमें मॉइस्चर मिल जाता है इसलिए वो ठंडी लगती है। और एक में मॉइस्चर नहीं होता, वो हवा गर्म होती है। अब नेचुरल जिसके अंदर मॉइस्चर होगा वो हवा भारी होगी और गर्म हवा हल्की होगी। इस चीज का ध्यान रखना है और अगले वीडियो में फिर से रिलेटेड बातें हम करेंगे। धन्यवाद।